पुराण पढ़ने के नियम। इसका संपूर्ण फल पाने के लिए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। शिव पुराण में ही इसके नियमों का वर्णन है। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पूर्व तन और मन शुद्ध करें। नए अथवा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पाठ शुरू करने से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखें। किसी की निंदा चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। गरीब रोगी पापी भाग्यहीन एवं निसंतानी को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। शिव पुराण का पाठ करने वालों को व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो पाठ के बाद फलाहार लें, नहीं तो पाठ के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और तामसिक पदार्थों का त्याग करें। ऐसे भोजन भी ना लें जो जल्दी पच ना सके, जैसे दाल, तला हुआ भोजन आदि। कथा सुनने से पूर्व ही बाल, नाखून आदि काट लें, क्योंकि कथा समाप्ति तक किसी भी तरह का चीर कर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। भूमि पर सोना चाहिए। किसी भी तरह का नशा ना करें। कथा सुनने से पहले या बाद में रोगी, विधवा, अनाथ, गाय आदि का दिल दुखाने वाले व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उसे सत्कर्मों का नाश हो जाता है। काम क्रोध से दूर रहकर पाठ करने वाले सत्य, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता का इन सद्गुणों को सदा अपनाएं। सुनने वाला निष्काम हो या सकाम, वे नियम पूर्वक कथा सुनने से काम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है।